हाय गाइस, आई एम हियर विद सम सेंटेंसेस। मैं चाय का शौकीन हूँ। कैसा लगा मेरा मजाक? मैं आपके बिना कुछ नहीं हूँ। इसे अभी तुरंत करो, मुझसे पहले वहाँ पहुँचो। अब समय बदल चुका है, कोई तुम्हें भूल नहीं सकता है। यह तो हद हो गई, मुझे तुम्हारी फिक्र है और इसमें 6 माह लगेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप इन सेंटेंसेस में से एक भी सेंटेंस या सभी सेंटेंस का मतलब जानते हैं तो अच्छी बात है, और इनमें यदि किसी भी सेंटेंस का इंग्लिश में क्या कहते हैं नहीं जानते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। आई एम हियर विद, मैं चाय का शौकीन हूँ। यदि हमको किसी को ये कहना है कि मैं इस चीज का शौकीन हूँ तो इसके लिए हम फॉन्ड ऑफ का यूज करते हैं। तो जैसे आई एम फॉन्ड ऑफ टी। अब आप जिस चीज के भी शौकीन हैं वहां पे इस चीज का नाम लिख सकते हैं। आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, आई एम फॉन्ड ऑफ ट्रेवलिंग। इस प्रकार से आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। सेकंड सेंटेंस लिखा हुआ है, कैसा लगा मेरा मजाक। हाउ डिड यू फील माई जोक। How did you feel my joke? आप कैसा लगा मेरा मजाक? मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ। जब आप अपने किसी सक्सेस का, अपनी किसी प्रोग्रेस का क्रेडिट किसी को देना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ, मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ, इसको बोलेंगे I am nothing without you। मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ। कुछ काम ऐसे होते हैं, काम बताते हैं और बोलते हैं इसे तुरंत करो, इसे अभी तुरंत करो। Do it just now, इसे तुरंत अभी करो। और जब कहीं पे किसी जगह पहुंचने की बात होती है और हम किसी से ये कहना चाहते हैं कि मुझसे पहले वहां पहुंचो, इसको बोलेंगे reach there before me। कई बार हम पुरानी बातों को बोलते हैं और आज से कंपेयर करते हैं तो लोग यही कहते हैं कि अब समय बदल चुका है, इसको बोलेंगे time has changed now। अब समय बदल चुका है, कोई तुम्हें भूल नहीं सकता है। यदि आप कुछ अच्छे काम करते हैं या आप ऐसा दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो लोग अक्सर कहते हैं कि आपने ऐसा किया है कि कोई तुम्हें भूल नहीं सकता है। No one can forget you, कोई भी आपको भूल नहीं सकता है। यह तो हद हो गई। जब किसी बात को मना करने के बावजूद भी कुछ लोग करते हैं तो हमको कहते हैं कि यह तो हद हो गई, इसको बोलेंगे This is too much now, हद हो गई, मुझे तुम्हारी फिक्र है। कई बार लोग ऐसे बोलते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो हम कहना चाहते हैं कि मुझे तुम्हारी फिक्र है, इसको बोलेंगे I care you। और लास्ट में है, कई कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें कुछ समय लगता है और यदि किसी काम में हम ये बोलना चाहते हैं कि इसमें 6 माह लगेंगे तो इसको बोलेंगे It will take six months। So these are my sentences. मैं चाय का शौकीन हूँ, I am fond of tea। कैसा लगा मेरा मजाक? How did you feel my joke? मैं आपके बिना कुछ नहीं हूँ। I am nothing without you। इसे अभी तुरंत करो, डू इट जस्ट नाउ, मुझसे पहले वहां पहुंचो, रीच देयर बिफोर मी, अब समय बदल चुका है, टाइम हैज चेंज्ड नाउ,
कोई तुम्हें भूल नहीं सकता, नो वन कैन फॉरगेट यू, यह तो हद हो गई, दिस इज टू मच नाउ, मुझे तुम्हारी फिक्र है, आई केयर यू, इसमें 6 माह लगेंगे, इट विल टेक सिक्स मंथ्स। तो इसी प्रकार के सेंटेंसेस के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. If you practice this kind of sentence, then you can speak, you can learn English. Thank you for watching this video.